कैसे हो आप सब। दोबारा स्वागत करूंगा आपके अपने चैनल HQ बॉलीवुड न्यूज में और मैं हूं हारिस कुरैशी। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बतानी है और कितने गवार हैं लोगों में से हैं जिन्हें लॉजिक दूर दूर से फैक्ट्स और लॉजिक से इनका कुछ मतलब वास्ता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हुआ यह है कि पठान का फैन में ट्रेलर आया है, जो फैंस ट्रेलर बनाते हैं पठान का शाहरुख खान की, कुछ गाइस उसके एक वीडियो पे बहुत ज्यादा डिसलाइक्स आ रहे हैं। तो जो शाहरुख खान के जो हेटर्स हैं, वही वाला तबका, वही अनपढ़ तबका जो है वो सोच रहा है कि ये फैन में ट्रेलर नहीं है, ये असली ट्रेलर है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें फैन में ट्रेलर और असली ट्रेलर क्या होता है उसका भी फर्क नहीं पता। तो दोस्तों उस पर ट्रेलर पर बहुत ज्यादा डिसलाइक आ रहे हैं। इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं तो आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। लगभग 1,30,000 लोगों ने इसे डिसलाइक कर दिया है, वहीं 6,000 लोगों ने इसे लाइक करा है। लाइक इतने कम क्यों आ रहे हैं, उसकी वजह यही है दोस्तों, क्योंकि जो शाहरुख खान के फैंस हैं, शाहरुख खान के चाहने वाले हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो एजुकेटेड हैं, वो लॉजिक और फैक्ट्स की बात करते हैं, तो उन्हें पता है कि ये असली ट्रेलर नहीं है, ये फैन मेड ट्रेलर है, तो क्यों इसे देखकर टाइम वेस्ट किया जाए। वहीं जो एक गंवार तबका है वो डिसलाइक्स पर डिसलाइक्स कर रहा है असली लाइक समझकर। तो दोस्तों डिसलाइक्स की मेन वजह क्या है, डिसलाइक्स की मेन वजह हम दो कह सकते हैं, एक जो है वो है सुशांत सिंह राजपूत का केस और दूसरा फिल्म का नाम पठान। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी पठान नाम इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है, आप सभी जानते हैं, ना मुझे कहने की जरूरत, ना आपको सुनने की जरूरत और ना ज्यादा कंट्रोवर्सी या नेगेटिविटी में हम जाएं, हमें वो बात सबको पता है। तो ले लेते हैं सुशांत सिंह राजपूत का केस, कितने गवार भक्त हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा मैं आपको जिससे ये साबित हो जाएगा कि इन जैसों से गवार कोई भी नहीं। नंबर वन पॉइंट्स दोस्तों, शाहरुख खान आउटसाइडर है। वैसे तो सुशांत सिंह राजपूत के जाने की वजह नेपोटिज्म नहीं है, लेकिन नेपोटिज्म एक कंगना रनौत जैसी जीनियस आई और उसने नेपोटिज्म वजह बता दी। नेपोटिज्म मतलब बाहर के लोगों को सपोर्ट नहीं करना, इंडस्ट्री के लोगों को ही सपोर्ट करना। अब शाहरुख खान स्टार किड नहीं है, वो तो खुद एक आउटसाइडर है, वो एक खुद बाहर का व्यक्ति है जो बाहर से उठकर अपने दम पर बॉलीवुड का बादशाह बना है। तो इन्हें नेपोटिज्म पर आवाज उठानी है तो शाहरुख खान को तो सपोर्ट करना चाहिए इन्हें, क्योंकि शाहरुख खान आउटसाइडर है, शाहरुख खान कोई स्टार किड नहीं है, लेकिन इनमें इतनी अकल है नहीं, वही वाली बात, लॉजिक और फैक्ट से इनका कोई मतलब वास्ता नहीं है। तो नंबर वन पॉइंट से भी प्रूफ हो गया कि ये कितने बड़े गवार हैं। दूसरा, इन्हें यह नहीं पता कि सुशांत सिंह राजपूत का आइडल कौन है। सुशांत ने हमेशा कहा है कि मैं हीरो बना हूं तो सिर्फ शाहरुख खान की वजह से बना हूं। शाहरुख खान को इतने बड़े दर्जे के वो अपने उस्ताद मानते थे, बहुत ज्यादा सम्मान शाहरुख खान का वो करते थे, लेकिन इन्हें कुछ नहीं पता दोस्तों, इन्होंने ना आज तक कोई सुशांत की फिल्म देखी, ना आज तक सुशांत क्या कहते थे उस चीज को फॉलो करा, बस ये चल रहे हैं एक भीड़ चाल में, वही वाली बात। तो नंबर टू पॉइंट से भी ये साबित हो गया कि इनका लॉजिक और फैक्ट से कुछ मतलब वास्ता नहीं है। नंबर थ्री दोस्तों, बहुत ही बड़ा बेवकूफी का काम कि इन्हें नहीं पता कि ये असली ट्रेलर है या एक फैन मेड ट्रेलर है। ये इतने बड़े गवार हैं, ये इतने बड़े अनपढ़ हैं कि ये एक वैसे ट्रेलर को, फैन मेड ट्रेलर को असली ट्रेलर समझ रहे हैं। उसमें जो क्लिप्स देख के कोई भी, मैं शाहरुख खान का फैन हूं, मैं कोई सा भी ट्रेलर, यहां तक कि हॉलीवुड का ट्रेलर, यहां तक कि टॉलीवुड का, साउथ इंडस्ट्री का ट्रेलर देख के बता दूंगा कि ये फैन मेड है या रियल, लेकिन इन्हें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता इन्हें, तो ये एक फैन मेड ट्रेलर को ही असली ट्रेलर समझ रहे हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि शाहरुख खान को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता जैसे लोगों से, ना आज तक पढ़ा है और ना इंशाल्लाह कभी पड़ेगा। तो बताने का मकसद यह है कि पठान नाम में ही जो शाहरुख खान की फिल्म आ रही है बहुत कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन मैं कहूंगा एज अ फैन, मैं कहूंगा कि सर इन्हें तो हम देख लेंगे, और ट्विटर पर जितने भी फैंस हैं वो सब यही कह रहे हैं इन जैसों को तो हम देख लेंगे, आप सिर्फ मूवी बनाओ। और एक बात, दो डायलॉग हमेशा शाहरुख खान के याद आते हैं कि मेरे से पंगा लोगे तो मेरे फैन से मुकाबला करना पड़ेगा, एक ये है, और दूसरा डायलॉग है कि मुझे गिराने के लिए मुझ जैसा उठना पड़ेगा। तो ये शाहरुख खान को गिराने के लिए शाहरुख खान जैसा उठना पड़ेगा, जो ये 7 जन्मों तक नहीं कर पाएंगे, अपने जन्मों तक नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों ये उठने क्या, ये तो गिरे पड़े हैं, ये पहले पढ़ लिख लें, पहले ये स्कूल चले जाएं, वही बड़ी, बहुत बड़ी बात होगी इनके लिए। एक और दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने सुशांत सिंह राजपूत के लेटेस्ट मूवी दिल बेचारा के ट्रेलर्स को लाइक नहीं मिले हैं जितने सड़क 2 के
ट्रेलर को डिसलाइक मिल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पता लगता है कि लोगों को सुशांत से ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, उन्हें बस नफरत निकालनी है और वो यही चीज सड़क टू पे कर रहे हैं। इसकी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ कि ये क्यों गलत हो रहा है। सड़क टू के ट्रेलर पे डिसलाइक जो आ रहे हैं, आप चाहें वो वीडियो आई बटन में जाके देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पे आप शाहरुख खान की प्रोफाइल लगाकर, शाहरुख खान की डीपी लगाकर मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। डिस्क्रिप्शन में सारी आईडीज के लिंक है और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।